स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदिरा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम एक कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, टेस्ट पेपर में ये हमेशा पाया जाता है और ये कंस्ट्रक्शन आपको करेक्ट टेंस करने में मदद देगा। एक ही कंस्ट्रक्शन है और एक कंस्ट्रक्शन इसलिए इस वीडियो में कि एक कंस्ट्रक्शन होने से आपको बातें याद हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा बहुत तरह के रूल्स एक ही वीडियो में दे दिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो एक कंस्ट्रक्शन है, अगर आपने इंदिरा कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये 8, 9, 10, 11, 12 के लिए ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल होगा और सोशल साइंस के लिए भी होगा। सोशल साइंस और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश टेक्स्ट बुक 8, 9, 10 में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन लेकर आया हूं, जो ये है, इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि इट इज़ टाइम वाक्यांश के साथ अगर एक वाक्य और जोड़ रहे हैं तो वो जो होगा पास्ट सिंपल में होगा। पास्ट सिंपल का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा। उदाहरण के लिए, इट इज़ टाइम आई डू सम रियल वर्क, डू को ब्रैकेट में रखें तो उसका करेक्ट टेंस क्या होगा? तो इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, पास्ट सिंपल हो गया, आई डिड सम रियल वर्क, तो इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। दूसरा सेंटेंस ऐसा ले सकते हैं, इट इज़ टाइम दे टेक टी, टेक इन साइड ब्रैकेट, इट इज़ टाइम दे टुक टी, इट इज़ टाइम दे टुक टी, ऐसा होगा। और इसका हिंदी मीनिंग होगा, इट इज़ टाइम आई डिड सम, मेरे रियल वर्क करने का समय है, मेरे उन लोगों की चाय पीने का समय है। इट इज़ टाइम द चिल्ड्रेन प्लेड, बच्चों के खेलने का समय है। तो इस तरह से इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए, 11, 12 के लिए ग्रामर एक ही होगा। आप इसको देखें और लाभ उठाएँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।